Hey guys, what's up and welcome again to another vlog. So अभी मैं बिनसर में हूँ. बिनसर के आपने पहला वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें कि हम यहाँ पर ट्रैकिंग करके पहुँचे थे, बाइक राइड करके भी पहुँचे थे. तो आज अब आपको मंदिर में लेके जाने वाला हूँ, मंदिर में दर्शन कराने वाला हूँ और थोड़ा बहुत इस मंदिर की जो हिस्ट्री है वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ. तो एक बार चलते हैं मंदिर की तरफ में और आपके साथ में थोड़ा बहुत इस मंदिर की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं. तो जैसे गाइज आप मंदिर मतलब बिनसर में एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा सीधा डायरेक्ट आगे मंदिर ही दिखेगा, जो अभी के समय पर नया मंदिर बन रहा है. पुराना मंदिर हटाया गया है, दरअसल पुराने मंदिर को रिनोवेट करके नया मंदिर बनाया जा रहा है. और जैसे यहाँ पर पहुँचे तो आपको यहाँ पर छोटी छोटी जो लोकल की शॉप हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जिनमें ऑलमोस्ट जो यहाँ पर रिक्वायर्ड सामान है मतलब ज़रूरत का सामान है वो आपको यहाँ पर मिल ही जाता है. दरअसल पहले ज़माने में जब मेरे दादा दादी मतलब थे, वो बताते थे जब यहाँ पर मतलब यात्रा करने के लिए आते थे, तो यहाँ पर जो लोग यात्रा करते हैं उसको यात्रा नहीं कहते हैं, उसको यात्रा कहते हैं. विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि यार यात्रा मतलब आपने शायद ये वर्ड बहुत कम ही सुना होगा, लेकिन यहाँ पर इस जो यात्रा करी जाती है उसको यात्रा नहीं यात्रा बोला जाता है. और पहले टाइम पे क्या होता है, लोग ना घर से यहाँ तक पैदल आते थे, अपने साथ में खाना पीना अपने बर्तन लेके आते थे और चलते रहते थे भाई यहाँ तक, मतलब दिन रात चलते रहते थे. जहाँ पर रात पड़ी वहीं पर खाना बनाया, खाया, सो गए, फिर अगले दिन फिर से यात्रा शुरू कर दी. अगर मैं बिनसर महादेव की बात करूं, वैसे तो यहाँ पर जो लोकल लोग कहते हैं, लोकल लोग ये कहते हैं कि जो यहाँ पर पांडव आए थे, जब आप पांडव अपने अज्ञातवास के समय पर यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि जो नाइट में जब यहाँ पर वो रुके थे ना, तो उन्होंने एक नाइट में पूरा का पूरा बिनसर मंदिर बना दिया था. जैसे ही सुबह हुई तो उन्होंने फिर अपना काम रोक दिया था. बट अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑनलाइन हिस्ट्री में जाते हैं, तो आपको वहाँ पर ये पढ़ने को मिलेगा कि ये जो मंदिर बनाया गया ये महाराजा पृथ्वी ने बनाया था अपने पिता बिंदु की याद में. लेकिन ये ट्रू है कि यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था, मतलब तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बिनसर महादेव का मंदिर बनवाया था महाराजा पृथ्वी ने. अगर आप हिस्ट्री अगर विकिपीडिया इन सब चीज़ों पर पढ़ते हैं तो बिनसर महादेव में जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है कि यहाँ पर रहने की दिक्कत. आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती अगर किसी दूसरी यात्रा करने जाते हैं, किसी दूसरे धाम में जाते हैं. जैसे मतलब हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ तो बहुत फेमस हैं, बहुत बड़ी चीज़ है. लेकिन अगर हम बिनसर महादेव की बात करें तो बिनसर महादेव भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पर ना कहीं मतलब कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, उनमें से सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये. लेकिन खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर. तो जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये नया मंदिर बन रहा है. पुराना मंदिर इसी जगह पे था ना पहले, उसे हटा दिया गया है, मतलब उसे तोड़ दिया गया मतलब उसे यहाँ. तो जो पुराना मंदिर था यहाँ पर, उस पर कहते हैं कि जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा था मतलब कि विकिपीडिया इन सब चीज़ों पर जो मैंने रिसर्च करी थी अपनी, कि कहते हैं कि उस वो मंदिर कातुरी शैली का मंदिर था और उस पर बहुत अच्छी शिल्पकलाएँ थी. कातुरी शैली अगर आप आदि योगी का मंदिर देखते हैं, आपने बहुत ही फेमस नाम सुना होगा आदि योगी सब्जी का मंदिर होता बेसिकली, तो उसी शैली का मंदिर था ये वाला भी और उस पर बहुत अच्छी कहते हैं शिल्पकलाएँ थी. लेकिन पता नहीं क्यों मतलब कुछ बोलते हैं पॉलिटिशियंस जो भी है, ऑब्जेक्शंस जो भी है मतलब या फिर डिसीजन कह सकते हैं, उनकी वजह से मतलब ये मंदिर जो पुराना मंदिर था जो कि 9th और 10th सेंचुरी में बनकर रेडी हुआ था और इतना पुराना मंदिर उसको तोड़ दिया गया और फिर उसकी जगह पर ये नया मंदिर बनाया जा रहा है. तो जैसे ही अगर आप बिनसर महादेव के दर्शन करने जाते हैं तो बोला जाता है कि यहाँ पर मंगरे हैं, मंगरे मतलब कि पंदेरे कह सकते हैं, जहाँ पर पानी गिरता रहता है 24 घंटे. तो माना जाता है कि अगर आप बिनसर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि यहाँ से नहा के जाएं, नहीं तो यहाँ से हाथ मुँह धो के जाएं. आप बिनसर महादेव के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं नीचे को, तो आपको यहाँ पर ये मंगरे दिख जाते हैं जिनमें कि यहाँ पर 3 धारे कह सकते हैं, और यहाँ पर आप आराम से इस पानी को पी सकते हैं, हाथ मुँह धो सकते हैं, बहुत बढ़िया. और कई लोग कहते हैं मतलब लोकल में, अब ये ट्रू है कि नहीं है, कई लोग कहते हैं कि इस पानी को पीने से वह जुखाम नहीं लगती है. और जो यहाँ पर लोक कथाएँ भी हैं जो मतलब मैंने अपने दादा औरों से भी सुना है, कई लोग कहते हैं कि बिनसर महादेव के 2 बार दर्शन करने से कभी अंधे नहीं होते हैं. अब ये पता नहीं कि कितना ट्रू है कितना ट्रू नहीं है, अब इसका तो पता नहीं है, बट वही है मतलब आस्था है एक, और आस्था के बीच में कहीं भी मतलब ऑब्जेक्शन नहीं आता है बिल्कुल. और अगर इस मंदिर की लोकेशन की बात करूं मैं अभी, तो यह मंदिर पौड़ी गढ़वाल के थलीसैन में चौथान ब्लॉक में पड़ता है
और इस मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2480 मीटर की ऊंचाई पर है। और अगर मैं इस मंदिर की बात करूं थैलीसैन से दूरी कितनी है, तो इस मंदिर की दूरी लगभग थैलीसैन से 22 से 25 किलोमीटर लगभग पीटीसैन है, और वहां से 12 किलोमीटर का ट्रैक इस मंदिर का है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो गाइज एक बार ऐसा करते हैं कि आपको जल्दी से एक बार उस साइड में दर्शन कराते हैं। हाँ, बिनसर महादेव, जो मतलब बिनसर महादेव जिनको बोला जाता है, उनको तो नहीं दिखा सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, फोटो क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन जो बाहर जो कुछ मूर्तियाँ रखी हैं, शिवलिंग रखे हैं, वहाँ पर तो ज़रूर दिखा सकते हैं। तो एक बार चलते हैं उस तरफ में और आपको थोड़ा बहुत इस जगह को दिखाते हैं कि किस तरीके से है भाई। वैसे मंदिर अभी जब तक बन के रेडी होता है, तो अभी क्या कर रखा है, मंदिर जो बिनसर देवता है उनको यहाँ पर शिफ्ट कर रखा है। तो जब तक जैसे ही मंदिर बनकर रेडी होगा, फिर यहाँ से बिनसर देवता को वहाँ पर शिफ्ट करा जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आगे लेके चलते हैं आपको और बिनसर भगवान के दर्शन कराते हैं। तो जब भी जहाँ पर अभी बिनसर भगवान को रखा गया है, जो आपको एक टीन शेड दिख रहा है, तो यहाँ पर अभी बिनसर भगवान को रखा गया है, लेकिन जो और मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, जैसे शिवलिंग हो गए, नंदी जी हो गए, उसी के साथ में गणेश महाराज जी हो गए, उनके दर्शन तो यहाँ से कर ही सकते हैं। तो भाई मंदिर में तो दर्शन करा दिए आपको, यहाँ पर बिनसर महादेव दिखा भी दिए, और हमारे साथ में यहाँ कोई लोकल है। भाजी आपका नाम क्या है? मैं बिनसर मंदिर समिति का उपाध्यक्ष हूँ, और मेरा नाम सुवेदार मेजर जगत सिंह जी है। हाँ। ग्राम देड़ा का रहने वाला हूँ। हाँ। ये बिनसर महादेव बहुत पौराणिक मंदिर है। बिल्कुल, जो हमारे पूर्वजों ने हमको बताया, जो हमने कहानियाँ सुनी, तो उसमें ये विदित है कि ये पांडवों ने बनाए। हाँ। जब हम भी आज करीब 55 साल की उम्र मेरी भी हो गई है, तो इसमें जब उत्तरकाशी में भूकंप आया था और इस मंदिर में थोड़ी सी दरार आई थी हल्की, तो उसके बाद जब ये टूटा था, अच्छा, तो हमने जब हमारे लोकल आदमी ने इसका रिपेयर किया, मंदिर समिति ने, इसको लोकली समिति है यहाँ की अभी फिलहाल, हम हर साल मेले में कैसे करके ये बिल्कुल अच्छी पूर्ण से चले, हमारी संस्कृति यहाँ पर अच्छी तरह से जागृत रहे, हम उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर प्रतिलिपि मिली है, अच्छा, तो उस भाषा को कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया। अच्छा। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय से कई प्रोफेसर आए, कई बाहर के जो अंग्रेज आए, उन्होंने भी उस लिपि को नहीं पढ़ा, जो ऐसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर दीवारों पर, कुछ हिंदी में था और कुछ वो लिपि है कि जो हमको मतलब एक्सप्लोर नहीं हो पाई है। बिल्कुल। इस मंदिर को जब हमने इसको तोड़ने से पहले इसको बाहर निकाला, अच्छा, तो इसमें जो है केदारनाथ से रावल जी आए, पूजा पाठ विधि विधान के साथ उन्होंने मंदिर को बाहर निकाला, अच्छा, तब जाके हमने इस टीन शेड के अंदर यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा है थोड़ा, जब तक कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता। जब मंदिर पूर्ण रूप से बन जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको रावल को बुला के इसको स्थापित मंदिर के अंदर दोबारा करेंगे। तो कल गाजे बाजे के साथ लोग यहाँ पर आएंगे, अच्छा, और कल तो बहुत भीड़ रहेगी यहाँ पे, अच्छा, तो यहाँ पर मतलब चौथान, चोपड़ा कोट, कुमाऊँ, चमोली, ये सभी दूर दूर के जितने भी हमारे हैं, ये जिले हैं हमारे गढ़वाल के, तो ये सभी यहाँ मतलब अपने आस्था के प्रति आते हैं, दूर दराज से भी पर्यटक भी आते हैं। यहाँ से 18 किलोमीटर थैलीसैन पड़ता है, और 18 किलोमीटर पैदल कहाँ पड़ता है, घरसैन पड़ता है, अच्छा, और 18 किलोमीटर पैदल कहाँ पड़ता है, देघाट पड़ता है, अच्छा, ये ऐसा सेंटर है। यहाँ से बेसिकली कुमाऊँ का, मुझे लगता है कुमाऊँ भी शुरू होता है, ये केंद्र पॉइंट माना जाता है, राइट, ये मतलब केंद्र है हमारा। हाँ। है कि नहीं? बिल्कुल। अपनी यात्रा को कंप्लीट करेंगे, धन्यवाद आपसे एक बार फिर से, आपको धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीचे के जो उपाध्यक्ष थे मंदिर समिति के, उनसे बात करके अच्छा लगा, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई इस मंदिर के बारे में, लेकिन अभी धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंधेरा होने लगा है, तो मुझे लगता है पहले मुझे अपना टेंट रेडी करना चाहिए, और फिर आपको बाद में नीचे दिखाएंगे। फिर तो भाई बड़ी मेहनत के बाद में फाइनली अपना टेंट भी लगी है, अंधेरा हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया पूरा सेटअप करने के लिए ना, और थोड़ा बहुत फिर लकड़ियाँ भी इकट्ठा करी, आग जलाई, फिर उसमें टाइम निकल गया। लोकेशन तो वैसे मैंने पहले दिखाई दिया था कि कहाँ पर मेरा टेंट लगा है, और यहाँ से सीधा, अच्छी बात यह ना कि मंदिर के दर्शन होंगे भाई सुबह सुबह, जैसे ही सुबह खुलेगी और यहाँ से सीधा मैं मंदिर देख पाऊँगा। तो दरअसल अभी क्या है, हम यहाँ पर रुके थे, चाय चुई पी रहे थे, तो यहाँ पर नीचे आरती शुरू होगी, आरती में भी कीर्तन शुरू हो गए, तो एक बार चलते हैं वहाँ पर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से हो रहा है भाई।
मुझे लग रहा है कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर ना, वो सभी लोग वहाँ पर जाके कीर्तन भजन कर रहे हैं साथ में, मतलब मिलके। यहाँ पर दरअसल काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और ऐसे ही खुले आसमान के नीचे भाई पूरी रात बिताते हैं, अपने चौपाल को गाते हुए, अपने गीतों को गाते हुए, और साथ में जो हमारे यहाँ पे जो हमारे कल्चर का जो डोंर है बेसिकली, उसको बजाते हुए यहाँ पर पूरी रात निकालते हैं ऐसे ही आग की धुनी के सामने। हम अपने यहाँ झोंडा से जसपुर खाल से ताल्लुक रखते हैं। ये हमारे सभी अपने यही बहन माताएँ एवं हमारे भाई हैं और हम यहाँ पे बिंदेश्वर महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं महपाल सिंह नेगी, ग्राम जसपुर पट्टी डोनल से हूँ, जो कि हम बिंदेश्वर महादेव को बहुत ही अच्छी तरह से मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। आज का रात का जागरण हम यहीं पे करेंगे। मैं दादली था वो हम दादली थी। हम सुबह घर से 8 बजे निकले और यहाँ 3:30 बजे पहुँचे। तो दरअसल यहाँ पर लोकल लोगों से बातें करके अच्छा लगा। आप सभी लोग एक ही गांव से हैं ना, एक ही परिवार है या फिर ना परिवार गांव? अच्छा, अलग अलग हैं, एक ही गांव से। अच्छा, डोंडाल सिंह से। अच्छा, तो भाई सब गांव से ऐसे ही आते हैं। हमारे गांव से भी दरअसल कल आए थे यहाँ पे, सभी बुजुर्ग लोग आए थे। तो यहाँ पर सभी से बातें करके अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप सभी को मतलब सबसे मिलकर अच्छा लगा होगा। तो अब क्या करेंगे, अब कल सुबह मिलेंगे आपसे और एक बार बिनसर भगवान के दर्शन कराएंगे और फिर जो यहाँ पर ब्रह्मा डूंगी है एक बार वहाँ पर जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, तो वो सब कल ही दिखाने वाले हैं। तो एक बार क्या करते हैं, इसको यहीं पर एंड करते हैं, मतलब यहीं पर रोकते हैं वीडियो को और कल मिलते हैं फिर। आदमी तो रहे दूर, यहाँ पर तो चिड़िया भी नहीं दिख रही है भाई, कोई जानवर भी नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करें, हम यहाँ से नीचे को चलते हैं। भाई हालत ख़राब हो गई भाई, लगभग कितना हो गया यार टाइम, 8 बजने वाली है, आधे घंटे में 8 बज जाएंगे और हमें यहाँ पे ना लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गए चलते चलते यहाँ पे।